हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम क्यू की एसक्यूएल वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो, अच्छे से क्यू की इंप्लीमेंटेशन समझ आ जाएगी, फिर एसक्यूएल देख लेना। तो क्यू के इंप्लीमेंटेशन में हमने लास्ट वीडियो में कोड डिस्कस किया था क्यू का, कि हाँ क्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसमें हमने सिक्स फंक्शंस देखे थे। तो कौन से छः फंक्शंस देखे थे हमने? एन क्यू, डी क्यू, गेट फ्रंट, गेट रियर, इज फुल और इज एम्प्टी। तो ये सिक्स फंक्शंस हमने देखे थे क्यू की पिछली वीडियो में, जिसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी। तो इस वीडियो में अब हम क्यू के एसटीएल में जो फंक्शंस है क्यू क्लास में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एन क्यू क्या करता था? क्यू में ऐड करता था। और क्यू में एडिशन कहाँ से होती है? हमारी क्यू है तो क्यू में एडिशन होती है रियर से और डिलीशन होती है फ्रंट से। तो क्या होगा कि एन क्यू का मतलब है ऐड करना। तो कौन सा फंक्शन एस टी एल में क्यू की क्या फंक्शन होता है जब क्यू में एन क्यू करना? सेम पुश, स्टैक में भी पुश होता था, सेम इसमें है पुश। डी क्यू करने के लिए, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए पॉप। गेट फ्रंट, गेट फ्रंट क्या करता था? हमें एक इंटीजर रिटर्न करता था, हमें गेट फ्रंट बेसिकली हमने गेट फ्रंट में क्या किया था हमने गेट फ्रंट में क्या किया था हमने अपने कोड में, अगर तुमने कोड देखा होगा तो उसमें हमने क्या किया था, हमने सिर्फ प्रिंट किया था, है ना, और हमने हमने रिटर्न कराया था, सॉरी हमने जो भी फ्रंट पे एलिमेंट था वो रिटर्न कराया था। तो इस ये जो गेट जो फ्रंट फंक्शन है, फ्रंट फंक्शन क्या करता है? वो भी एलिमेंट रिटर्न करता है, और गेट फ्रंट ने भी रिटर्न किया था। सिमिलरली गेट रियर लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, ये बैक फंक्शन लास्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा। सो और फिर हमारे पास और फंक्शंस क्या होते हैं? साइज़ फंक्शन एस टी एल में क्या करता है? हमें क्यू का प्रेजेंट साइज़ क्या है वो दे देता है, रिटर्न कर देता है, और एम टी बता देता है, बुलियन वैल्यू देता है, ये रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू कि अभी क्यू एम टी है या नहीं। अब एक डिफरेंस है पॉप में, ये जो डी क्यू है ना, और ये सेम जो स्टैक में था, अगर तुमको स्टैक का याद होगा तो डी क्यू क्या कर रहा था हमें, अगर हम कोड में देखें तो हमने क्या किया था, डी क्यू को एक डी क्यू की रिटर्न टाइप क्या थी? इंटीजर, है ना, और वो हमें एलिमेंट रिटर्न करता था। पर एस टी एल में क्या सीन है कि पॉप जो है वो डिलीट तो कर देगा, फ्रंट से एलिमेंट को डिलीट तो कर देगा, पर वो रिटर्न नहीं करेगा, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड होती है। तो हमें अगर हमें पहला हमें ये पता करना है कि कौन सा एलिमेंट पॉप होने जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो है पहला एलिमेंट वो फ्रंट से हम प्रिंट करा देंगे फ्रंट फंक्शन यूज़ करके, और फिर हम पॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे सिक्स फंक्शंस हैं एस टी एल में, जो बेसिकली 90% ऑफ द टाइम्स यूज़ होते हैं कॉन्टेस्ट के कोड प्रॉब्लम्स में, एवरीवेयर। तो कोड में देख लेते हैं। तो ये है कोड, ये कोड है। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो इसको मैं नीचे कर लेती हूँ, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, और क्यू को यूज़ करने के लिए हमने क्यू की हेडर फाइल लिख ली, और फिर उसके बाद हमने एक क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया क्यू, ये हमारी क्यू को रिप्रेजेंट करेगा क्यू। और हमने सबसे पहले पुश कर दिया, तो पुश मतलब, और हमारा जो क्यू में एडिशन होता है वो रियर से होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर हमने 2 को डाल दिया रियर पे, फिर हमने 3 को डाल दिया, 4 को डाल दिया और 5 को डाल दिया। तो हमारा फ्रंट जो है वो ये है, और हमारा जो रियर है वो ये है। अब क्या किया, पॉप कर दिया। अब डिलीशन कहाँ से होती है क्यू में? शुरू से होती है। तो अगर ये डिलीट हुआ तो अब जो फ्रंट होगा वो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पॉप हो गया। साइज, अभी हमें हम क्या कर रहे हैं, साइज़ को प्रिंट करा रहे हैं, क्यू डॉट साइज। तो साइज़ क्या है क्यू का? 1, 2, 3, 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर फ्रंट प्रिंट करा रहे हैं, क्यू डॉट फ्रंट। क्यू डॉट फ्रंट क्या करेगा, हमें फ्रंट एलिमेंट रिटर्न करेगा, तो फ्रंट पे क्या है 2, 2 प्रिंट हो जाएगा। रियर पे क्या है, क्यू डॉट बैक, 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। और इज एम्प्टी, क्या क्यू एम्प्टी है? नहीं, क्यू का साइज़ तो 4 है, तो एम्प्टी नहीं है, तो 0, 0 मतलब फॉल्स। तो ये हमारी आउटपुट आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, रन करके देख लेते हैं प्रोग्राम को।
तो हमने क्या देखा था कि हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, कुछ ऐसी। तो हमारा साइज 4 आ रहा है, फ्रंट 2 है, रियर 5 है और इज एम्प्टी 0। तो कोड अच्छे से काम कर रहा है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा कि क्यू को कैसे यूज़ करते हैं एसटीएल में, कौन से फंक्शंस हैं। तो अब हमने स्टैक भी देख लिया था, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक को एसटीएल में कैसे यूज़ करना है, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन और क्यू को एसटीएल में कैसे यूज़ करना है। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे स्टैक और क्यू की, जो इंटरव्यू परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यूज में पूछी जाती है स्टैक क्यू की। तो जुड़े रहना साथ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे स्टैक और क्यू की। थैंक यू।